यूनिट 3 ठीक है, जिसमें आता है हमारा ट्यूरिंग मशीन और रिकर्सिव लैंग्वेजेस ठीक है। तो टॉपिक है हमारा ट्यूरिंग यूनिट 3। यूनिट 3 में जो इस पूरी यूनिट का जो हार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एक मशीन है, ट्यूरिंग मशीन ठीक है। तो हमें जो बेसिकली स्टडी करना है ढंग से वो ट्यूरिंग मशीन है, ट्यूरिंग मशीन। अच्छा, जो सिलेबस में मेंशनड है, सिलेबस में काफी कुछ मेंशनड है, जैसे कि ट्यूरिंग मशीन के बाद अनडिसाइडेबिलिटी ठीक है, और काफी चीजें सारी चीजें मेंशनड है। बट एक्चुअल में अगर हमें सही से ट्यूरिंग मशीन समझ में आ गई तो उसके बाद बाकी सारी चीजें इसका एप्लीकेशन नहीं है। जैसे अनडिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम है वो आईजी इस वजह से करती है क्योंकि ट्यूरिंग मशीन में एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, एक लूप होल होता है, उस वजह से अनडिसाइडेबिलिटी स्टार्ट होती है ठीक है। तो बेसिकली हर एक चीज रिलेटेड है, तो हम सबसे पहले देखना है कि ट्यूरिंग मशीन क्या होती है ठीक है। तो अगर मैं जनरल सेंस में बताता हूँ तो हम सबसे पहले इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं ठीक है। तो अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो वही टपल फॉर्मेट में इसकी रिप्रेजेंटेशन है ठीक है। हमारे पास ये इसमें होता है क्यू, कैपिटल क्यू, ये वही है सेम है सेट ऑफ ऑल स्टेट ठीक है। उसके अलावा है हमारा सिग्मा, सिग्मा भी सेम है जो कि अल्फाबेट्स को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आता है डेल्टा जो कि ट्रांजिशन फंक्शन है, सेम है। उसके बाद क्यू नॉट दैट मींस स्टार्टिंग स्टेट ठीक है, एंड देन फाइनली एफ जो था हमारा फाइनल स्टेट। तो ये बिल्कुल सेम डेफिनेशन होगी जैसी हमने फाइनाइट ऑटोमेटा में देखी थी। बस अगर ट्यूरिंग मशीन में हमें दो चीजें एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं, वो दो चीजें क्या होती हैं, एक होती है हमारे पास टेप अल्फाबेट ठीक है, एक हमारे पास होती है टेप अल्फाबेट, चलो उसको ऐसे डिफाइन कर देते हैं ठीक है। और एक हमारे पास हमें ब्लैंक सिंबल चाहिए होता है ठीक है, ब्लैंक ठीक है। अब इन सारे इन सबका क्या यूज है, ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं ठीक है। ट्यूरिंग मशीन का एक बहुत ही इंटीग्रल हिस्सा होता है, जैसे मैंने बोला था कि टेप अल्फाबेट है ठीक है, नई चीज है तो टेप अल्फाबेट है, ये टेप अल्फाबेट है। और ये जो बी है ये डिनोट करता है ब्लैंक को ठीक है, ब्लैंक। ट्यूरिंग मशीन में क्या होता है, ट्यूरिंग मशीन हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसी मशीन है जिसमें कई सारे सेल्स हैं ठीक है। इसको हमने क्या दे रखा है, एक मेमोरी दे रखी है, ये इसकी मेमोरी है ना। और इस मेमोरी में क्या है, सेल्स हैं बहुत सारे इस तरीके से है ना। और ये जो मेमोरी है वो हमारी लेफ्ट साइड में की इनफाइनाइट है और राइट साइड में की इनफाइनाइट है, मतलब इनफाइनाइट लेंथ का एक टेप है हमारे पास ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ टेप। तो अगर टेप की लेंथ इनफाइनाइट है तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी ट्यूरिंग मशीन है इसकी मेमोरी भी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। मेमोरी क्या होती है इसकी, इनफाइनाइट होती है ठीक है। तो अभी तक हम स्ट्रगल करते थे, जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा था तो उसमें क्या था, हम स्ट्रगल करते थे क्योंकि उसकी जो मेमोरी होती है वो फाइनाइट होती है। तो कभी भी जो हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा होता है वो ए की पावर ऑफ एन, बी की पावर ऑफ एन टाइप की लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। लेकिन हम देखेंगे अभी कि हमारी ट्यूरिंग मशीन ऐसी लैंग्वेजेस को, फॉर एग्जाम्पल ए की पावर ऑफ एन, बी की पावर ऑफ एन की लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर लेती है ठीक है। तो हम वापस आते हैं अपने स्टेप वाले कंसेप्ट पे। तो होता क्या है, ये जो टेप है ठीक है, इसमें हम अपना इनपुट से देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इस लैंग्वेज की तुम्हें कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवानी है एक ट्यूरिंग मशीन से ठीक है, इस लैंग्वेज कॉरेस्पॉन्डिंग ट्यूरिंग मशीन बन सकती है। इनफैक्ट जितनी भी पॉसिबल लैंग्वेजेस होती हैं उन सबके कॉरेस्पॉन्डिंग ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट करती है ठीक है। अच्छा, तो हम देखते हैं कि हम एक छोटी सी स्ट्रिंग देख लेते हैं इस लैंग्वेज की, और हम एक डमी अपना ट्यूरिंग मशीन बना के देखते हैं कि क्या चीज होती है ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दैट मींस ए ए बी बी, ये एक स्ट्रिंग है ठीक है। इसको एक्सेप्ट कराने के लिए मैं एक ट्यूरिंग मशीन बनाऊंगा ठीक है, बेसिकली उस इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करा के दिखाऊंगा मैं ठीक है। और वो ए का पावर ऑफ एन, बी का पावर ऑफ एन जैसी हर एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखती है ठीक है। तो पहले कंसेप्ट देख लेते हैं कि कंसेप्ट क्या चलता है ठीक है। कंसेप्ट ये चलता है कि जो भी स्ट्रिंग हमें टेस्ट करनी है कि क्या ट्यूरिंग मशीन उसको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है, हम उस स्ट्रिंग को पहले एज एन इनपुट टेप पे पेस्ट कर देते हैं ठीक है। तो ये सारे क्या है, जिस सेल्स पे कुछ नहीं है, सेल्स इनफाइनाइट का नहीं है, तो जो सेल्स खाली है उसमें ब्लैंक्स प्रेजेंट है ठीक है, ये ब्लैंक्स है ना ठीक है। और फिर हम इनपुट को रख देते हैं टेप पे, तो ये ए आ गया, ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये बी आ गया ठीक है।
और फिर आगे भी क्या है ब्रांच प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास टेप हो गया, ठीक है। तो अब मुझे एक क्यूरी मशीन बनानी है जो कि इस टेप को रीड करे और उसके बाद कहे कि ये जो स्ट्रिंग जो लिख रखी है इस टेप पे उसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ, ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं, अगर इसको हम सोचते हैं तो अगर मैं तरीका निकालू तरीका डिवाइस करूं कि मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, मुझे जो पहला ए दिखेगा उसको मैं एक्स बना दूंगा सपोज, ठीक है। पहला जो ए दिखेगा उसको मैं एक्स बना दूंगा, फिर मैं आगे चलता जाऊंगा, मुझे जितने भी ए दिखेंगे रस्ते में मैं उनको इग्नोर कर दूंगा, ठीक है। मुझे जितने भी एक्स दिखेंगे रस्ते में मैं उनको इग्नोर कर दूंगा और मुझे जैसे पहला बी मिलेगा मैं उस बी को वाई बना दूंगा, ठीक है। अब समझना इस वाले ए को एक्स और इस वाले बी को वाई क्यों बनाया है, क्योंकि ताकि ये बैलेंस रहे कि एक एक्स प्रोड्यूस हो चुका है एक वाई प्रोड्यूस हो चुका है, ठीक है। अब देखना फिर से मैं क्या करूंगा, इसको वाई बनाने के बाद मैं फिर से पीछे आना चालू करूंगा, लेफ्ट आना चालू करूंगा, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे लेफ्ट आना चालू करूंगा फिर से मैं पहले ए को देख करके उसको एक्स बना दूंगा, ठीक है। फिर मैं जो पहला बी मिलेगा उसको वाई बना दूंगा, इतना करने के बाद मैं फिर से दोबारा पीछे जाऊंगा तीसरे ए को ढूंढने कि अगर कोई ए प्रेजेंट है तो उसको मैं एक्स बना दूं और अगर आगे कोई बी प्रेजेंट है तो उसको मैं वाई बना दूं कंसेक्यूटिवली। लेकिन जब मैं पीछे आऊंगा तब मैं रियलाइज करूंगा कि वाई के बाद में सीधा एक्स चालू हो गया है, ठीक है। एंड एक्स को बैक ट्रैक करते करते मैं सीधा ब्लैंक तक पहुंच जाऊंगा, मुझे कोई भी ए नहीं दिखेगा। इसका मतलब मेरी स्ट्रिंग में जितने भी एस थे उन सबको मैं एक्स में कन्वर्ट कर चुका हूं, ठीक है। तो अब अगर मुझे नंबर ऑफ एस और नंबर ऑफ बीस को बैलेंस करना है तो सिंस मेरे पास एक्स सारे खत्म हो चुके हैं तो मेरे वाइस भी क्या होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए, क्या हो चुका होना चाहिए, वाइस भी खत्म हो चुके होने चाहिए। तभी तो मैं कह सकता हूँ जितने नंबर ऑफ एक्स थे उतने नंबर ऑफ वाइस थे, क्योंकि मैं हर बार एक एक्स के करस्पॉन्डिंग एक वाई को कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक आउटलुक हो गया, ठीक है। अब दो तीन चीजें सुनो, एक ट्यूरिंग मशीन जो होती है, ठीक है, उसके पास कुछ कैपेबिलिटीज होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे टेप के सेल्स हैं, एक ट्यूरिंग मशीन अगर एक इस सेल पे है, ठीक है, तो ट्यूरिंग मशीन के पास एक मूव में कैपेबिलिटी होती है कि वो राइट मूव कर सकता है या लेफ्ट मूव कर सकता है और साथ ही साथ जहां पे वो मूव कर रहा है उस पर्टिकुलर जगह पे कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। अब क्या लिख सकता है, वो या तो ब्लैंक लिख सकता है या फिर सिग्मा में प्रेजेंट सारे के सारे अल्फाबेट में से कोई एक लिख सकता है, ठीक है। अभी जो हम एग्जांपल देखेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे तरीके से पता लगेगा कि कैसे एक ट्यूरिंग मशीन डिजाइन होती है और जो मैं बात कर रहा था कि वो लेफ्ट मूव कर सकता है राइट मूव कर सकता है वो चीज कैसे होती है पॉसिबल, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं,